तो कहता है कि फिक्स्ड मेथड से बनाओ और फ्लक्चुएटिंग, सॉरी फिक्स्ड मेथड से कैपिटल बनाओ। तो फिक्स्ड में दो बनता है, कैपिटल और करंट अकाउंट। थोड़ा टेक्निकल, तो हम लोग ना पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखो फिक्स्ड मेथड है तो दो बनेगा, तो पहले हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? दो। तो दो अमाउंट का कॉलम खींच लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, सॉरी अमाउंट है ना, तो जिसका नाम रहे उसका नाम लिख देंगे। तो अमृतपाल है, मतलब इसमें अमाउंट ही लिखता है, लिखते हैं। अमृतपाल, इसके बाद राजकुमार, दो अलग अलग पार्टनर हैं, दोनों का नाम लिख दिया। देखो फिक्स्ड मेथड से है तो दो बनेगा, एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट, राज कुमार, ये दो हैं। इसके बाद अब देखिए, तो कैपिटल है तो कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, फर्म के लिए लायबिलिटी होगा, तो इसका ओपनिंग किधर होगा? क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस बीडी कितना है? देखो कैपिटल वहाँ दे रखा है 50,000 और 40,000, 50,000 एंड 40,000। अब देखो इसके बाद इसमें कुछ जाने लायक नहीं है, मतलब कैपिटल इसमें क्या लिखते हैं, कैपिटल अगर बढ़ेगा, अगर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड हम लोग करते, या फिर कैपिटल का ड्राइंग होता है तब, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो कैपिटल इसमें और कुछ नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बंद कर दें। तो टोटल करो, टोटलिंग करना। अब देखो ये लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड ही अधिक होता है लायबिलिटी का, ये 40,000 और ये भी हमारा है 40,000। अब यहाँ कितना बैलेंस आएगा? 40,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 11वीं पर हैं लेजर में, तो बैलेंस सीडी, ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। मतलब देखो जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। इसी तरह से 50,000 अमृतपाल का है, 50,000 यहाँ भी हो जाएगा अमृतपाल का, तो ये कितना 50,000, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको करना क्या है, करेंट अकाउंट खींचना है। करेंट अकाउंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि मेथड है फिक्स्ड, तो एक को तो हम फिक्स कर दिया, दूसरा जितना भी एडजस्टमेंट होगा कहाँ जाएगा, वो सब करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आई तो ये हो गया हमारा करेंट अकाउंट का, ये पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट हो जाएगा ये। इसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसमें पार्टनर का नाम, तो अमृतपाल, अमृतपाल और राजकुमार दो हैं, ठीक है। इसमें भी अमृतपाल और राजकुमार, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। अब देखो करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, और क्या है, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, अगर दिया रहता तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं, इधर अगर दिया रहता तो यहाँ हम लोग लिखते जो भी बैलेंस दिया रहे, तो इसमें है ही नहीं तो हम लोग यहाँ नील कर दें, लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक। इसके बाद है, अब देखो जिस जिस से कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट लिखना, जिस जिस से घट जाएगा उसको डेबिट, ओनली हम लोग रीजन लिखते हैं यहाँ पे। अब बताइए पहले क्या है, प्रॉफिट है कितना 30,000, तो वर्किंग नोट में हम लोग बांट ले, तो वर्किंग नोट में बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट, तो अमृतपाल का कितना शेयर हो जाएगा, अमृतपाल शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट तो देखो कितना है, टोटल 30,000 है। अब देखिए इस दोनों को ना जोड़ के बराबर कितना आएगा, पाँच, मतलब पाँच में दो दो किसका मिलेगा, अमृतपाल का, राजकुमार का, तीन, टोटल पाँच, तो 2/5 इसको करिए, छः दून छः पंच 30 कट जाएगा, 6,000,
6,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। और इसी तरह है राजकुमार, तो राजकुमार का शेयर हो जाएगा इन प्रॉफिट में, इन प्रॉफिट। देखिए, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 30,000। इसमें इसका कितना होगा, 3/5। देखो, 3:1 ऊपर नीचे में टोटल का 5, 2 ऊपर टोटल में, 5 नीचे, तो कितना हो जाएगा, 18,000। अब बताओ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से घटता है, तो ये प्रॉफिट है तो कैपिटल इससे बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, मतलब पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये कहाँ से आया होगा, ये PL अप्रोप्रिएशन से, ठीक है। अब देखो कितना है, 12,000 और 18,000, तो 12,000 एंड 18, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद क्या है, सैलरी मिलेगा, ये हो गया कंप्लीट। अब सैलरी से किसको मिलेगा भाई, पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, तो सैलरी अकाउंट लिख दे, सैलरी अकाउंट। अब देखिए कितना, 1,000 रुपये पर मंथ है, तो 12,000 इसका हो जाएगा और 12,000 इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, ड्राइंग किया, तो यहाँ ये नहीं लिख के दिया भाई ड्राइंग किस चीज़ का है ना, कैपिटल का है कि प्रॉफिट का है ना, लिखा हुआ ये ड्राइंग्स, तो हम लोग क्या मानते हैं, ये ड्राइंग होगा प्रॉफिट का, तो इसमें लिखेंगे। अगर यही कैपिटल का रहता तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, तो टू क्या ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये प्रॉफिट का ड्राइंग है। 10,000 अमृतपाल करता है और 6,000 राजकुमार करता है, तो इससे कैपिटल घटेगा, इसलिए हम लोग घटा दिए। और एक चीज़ और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर जो ब्याज मिलेगा इससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग किधर दिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब करेंट अकाउंट है तो यहाँ करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब देखिए तो 5%, अब कितना कैपिटल था, 5,00,000, इस वर्किंग नोट को हम हटा देते हैं, ये हमारा हो गया गायब, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट में क्या, इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, बचपन में हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज वाला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, पी गुना आर गुना टी, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टी। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, मेन अमाउंट है कितना, 50,000, किसका, अमृतपाल का, तो अमृतपाल, अमृतपाल का कितना हो जाएगा भाई, तो 50,000 इसका कैपिटल है, और क्या रुपया है, क्या परसेंट है, 5%। देखो टाइम पूरे साल का है, तो 12/12 लिखो, बराबर ही हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका, 2,500, और राजकुमार का देख लीजिए, राजकुमार का कैपिटल कितना है, 40,000, और 40,000 का 5% करेंगे, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो कितना हो जाएगा, ये 2,000। तो मतलब कहने का ये हुआ, जो अमृतपाल को कितना मिलेगा, 2,500 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और राजकुमार को मिलेगा 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा करंट अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लिखा ही अमाउंट डाल देते खाली, कितना, 2,000 और 2,500, तो इसका हो जाएगा 2,500 और इसका 2,000, ये था। अब एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं क्या गया क्या नहीं गया और क्या छूट चुका है। देखो, कैपिटल का हो गया, प्रॉफिट का भी हो गया, ये भी ख़त्म है, सैलरी भी दे चुके, ये भी हो गया, और ड्राइंग भी हो चुका है। अब इसका हम क्या करते हैं, लास्ट में टोटल, देखिए 18, 12, 30, 32,000 इधर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ना है, देख लो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन, हाँ ड्राइंग नहीं है, चलिए। तो क्रेडिट साइड में 32,000, यही सेम अमाउंट यहाँ लिख लेंगे हम लोग, 32,000। अब देखो यहाँ कितना है, 6,000, तो यहाँ कितना कम रहा है, तो ये हमारा हो जाता है बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, किसका, पार्टनर का, कौन सा पार्टनर, राजकुमार। तो देखो, राजकुमार का करेंट अकाउंट में 18,000 प्रॉफिट का हिस्सा आया, सैलरी का 12,000 आया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 2,000,
टोटल हम लोग किए हैं तो हो गया 32,000 क्रेडिट साइड में, उसमें से कितना निकाल चुका है, कितना निकाल लिया प्रॉफिट है जी, तो 6,000। तो अब कितना कैपिटल बचा उसका, 26,000। अब ये है जी 12 12 24, तो 26,500, ठीक है 26,500 में से यही सेम यहाँ लिखेंगे। देखो ये लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट में पहले हम लोग जोड़ चेक कर लेते हैं, बैलेंस ज़्यादा होगा। अब 26 में से कितना निकाल लिया, 10,000, तो कितना बचा होगा, 16,500। तो ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। मतलब कहने का ये हुआ, इस जो अमृतपाल का क्लोजिंग बचा है 16,500 और राजकुमार का है आपको 26,000। आया समझ में, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। तो क्वेश्चन 1 2 और 3 हो गया हमारा इंड। इसके बाद है इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन की बातें, तो हम लोग शुरू करेंगे अभी जस्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें फिर छोटा छोटी छोटी बातें हैं, कैपिटल रेशियो, जैसे कैपिटल खत्म होगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होता है पार्टनर के बीच, कैसे पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, तो पार्टनर जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से बांटेंगे, या फिर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो प्रोविजन लगेगा किसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी एग्रीमेंट हुआ है, आपस में बातचीतें हुई हैं, जो भी डीड में लिखा उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट बांटना है। अगर डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनर के बीच कैसे बटेगा, बराबर बराबर। तो कैसे बांटेंगे हम लोग, बराबर बराबर।